जिनकी अर्जी लगी दिए हैं अच्छा बना के दिया जो मेरी समस्या थी और इसका निवारण भी बता के दिया। तो आपकी अर्जी कैसे लगी है? क्योंकि गर्भाशय में अंडे ना बनने की दिक्कत आ गई है। ये अंकल जी हैं, अभी इनकी अर्जी लगी थी, इनकी अर्जी लग चुकी है, ये जा रही हैं। ऐसा लगा आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करने से साधु जी आज प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत हम आप सभी बागेश्वर बालाजी त्रिवेणी माँ गंगा मैया की कृपा से हम आप बागेश्वर बालाजी के बरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भए। हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। अगर हम जाने के इतने पागल है तो और पहले आ जाते, ये तो खेतों में भी पागल ही पागल है। जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ आस्था का संगम है, सामाजिक समरसता का संगम है, जहाँ पर संस्कारों का संगम है, जहाँ ऐसी यज्ञ भूमि तीर्थ राज प्रयाग के क्षेत्र में हम आप सब बैठे हुए हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, आपको अगर समस्या है तो समाधान भी आप हो। जो जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाही, ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। एही हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारा। ऐसा कौन सा संकट जो हनुमान जी हरण ना कर पाए? आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत? साधु जी हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। और मेरे पागलो, पर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहले नाम का पुरुषों की अर्जी स्वीकार हुई है, पीछे में सोम नाम का, सोम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जा। और पीले रंग का टी शर्ट होना चाहिए इनके ऊपर, है क्या टोपी? पीले रंग की टी शर्ट, टोपी सिर पर होगी, नाम शुभम होगा और फुल बाएं की टी शर्ट पहने होगा, आ जा। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया? अपना हुलिया बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे? पाप लगेगा। क्या बताया था? बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगाने के लिए मेरी मौसी और मेरी नानी मेरी घर पर गेट कर लगाई। जी सर। चलो ठीक ठीक, क्या पूछने आए? पहले नंबर पर बुलाया तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, एक नंबर, दो नंबर, ये तीन नंबर का, ये चार नंबर का, कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकाले? और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। बाबा जी को लाना है जी। एक प्रश्न और है तुम्हारा, पेट में दर्द बनता है, असहनीय पीड़ा हो जाती है, उसमें भी लाभ होगा। तीसरी घर की अर्जी है, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मकान का कार्य पूर्ण होगा, आशीर्वाद। जिनकी अर्जी लगी थी देखिए, ये जिनकी अर्जी लगी थी ये है, आगे बढ़ा, जिनकी अर्जी लग चुकी है ये जा रही हैं।
पहले वो लड़का था, अभी दूसरे नंबर पर जो भी गई है वो दूसरे उनकी अर्जी लगी है। थोड़ा जल्दी आ जाए क्योंकि हमको बहुत अर्जियां लगानी है। अंकल जी का और आंटी जी का भी अर्जी लगा हुआ था। हाँ लगा था। तो कैसा लगा आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल सत्य सत्यम परमम दी रही रामम परमम दी बोलो बागेश्वर धाम। वैसे आप लोग कहाँ से हैं? एकदम सत्य है, अच्छा 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 चाक घाट रीवा जिला। अच्छा चलिए ठीक, एकदम सत्य। अभी अर्जी और लगा रहे हैं महाराज जी, और हाँ चार अर्जी तीसरी है, ये तीसरी है। अच्छा उनकी भी अर्जी लग चुकी है, वो जा रहे हैं अंकल जी जा रहे हैं, उनकी भी अर्जी लगी है, उनकी अर्जी है। हाँ हाँ वहाँ चेक भी करते हैं उनके पास, कोई भी करते हैं कुछ ऐसा सामान ना लिया को ठीक किसी का। बिल्कुल और इनकी अर्जी अभी देखिए हो गया है, अभी अंकल जी आ रहे हैं, अभी इनसे मिलते हैं। ये अंकल जी हैं, अभी इनकी अर्जी लगी थी और ये अंकल जी जा रहे हैं। और अभी बाबा जी जो है फिर से किसी की अर्जी लगाने जा रहे हैं, हाथ में पर्चा है। आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बनाया। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? देखो मोबाइल उबाइल गिर गया क्या उसका? मोबाइल, अरे मोबाइल गिर गया भाई, ये देखो ये मोबाइल, ये कवर है यार, कवर है। कितनी पब्लिक यहाँ पे दीवार पे खड़ी है भाई, गिरे ना भाई, गिरना नहीं भाई आराम से। माँ हमने नहीं उड़ाया, बालाजी के कारण उड़ाया। एक मंत्र में लिखा देवी की जो चौकी है उसमें आपको श्रृंगार देना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, हम आपको विधान धाम पर दे देंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है और डॉक्टरी सलाह भी साथ में लेनी है क्योंकि गर्भाशय में अंडे न बनने की दिक्कत आ गई है। जो डॉक्टरी जांच हमारे पास आई है ये आपको भी पता है, पता है अंडे नहीं बनते हैं, पता है ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। स्वास्थ्य लाभ होगा, बेटी को सिर में बहन में दिक्कत है, पिट की दिक्कत बनती है, मिर्गी फट जाएगी, मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलो सीताराम ओम, हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। मैंने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा, शीर्ष सात बार वहाँ गए, शीर्ष सात बार करना है, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ना है। आज चूंकि समुदाय ज्यादा हो गया, व्यवस्था ठीक नहीं थी तो हम नहीं चाहते किसी को असुविधा हो, ठीक ठीक है, और एक भी कुछ हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, धर्म के ऊपर बालाजी के ऊपर उंगली उठेगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की है ना, और रोगी के पास हम सेना भेज देते हैं। हमने ये बालक को बुलाया था जो झंडा लिए था, कृष्णा ना कृष्णा तुम आ जाओ, सन्यासी बाबा की, की और टीजीएस ग्रुप परिवार की, अभी प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया है, अब महाराज जी जो है जा रहे हैं, बाकी मेरे पीछे आप देख लो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही लाखों संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं।
भाई हमारे साथ है, उन्हीं का अर्जी लग चुका था, ये चौथे नंबर पे गए थे। ये आपका नाम क्या है? ऋतिक मिश्रा है। इन्हीं महाराज जी ने उन्हें आपको क्या दिया? इन्होंने ये पर्चा बना के दिया जो मेरी समस्या थी और इसका निवारण भी बता के दिया। तो आपकी अर्जी कैसे लगी है? मतलब आपने बस प्रभु के कृपा से हम दोनों चमत्कार बोलिए बागेश्वर महाराज की। अच्छा महाराज जी, मतलब जो आपकी अर्जी लगी इसके पहले क्या आपने कहीं नाम कहीं नहीं। मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ड्यूटी है, आपको मसाला नहीं ले जाइए, बाबा हमारे चमत्कारी बाबा हैं। अभी भैया जो है अर्जी लगा हुआ था और इनकी जो भी समस्या थी, बाबा जी ने इनका जो है समस्या देखा, उनको निवारण चल रहा है। तो अभी जो है दरबार का कार्यक्रम जो अभी तक खत्म हो चुका है और लाखों की तादाद में अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। क्यों? और भगदड़ मचनी थी, पर बाबा कितना आशीर्वाद है, भगदड़ नहीं मचने दी और बाबा सबका आशीर्वाद बना के अर्जी ले चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम इस दरबार के बाहर जा रहे हैं। इतनी ज्यादा भाई भीड़ यहाँ पे भी है, मतलब ग्राउंड के बाहर भी भाई। मैं सोचा तो सिर्फ अंदर ही भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे पूरे खेतों में भीड़ है। पूरा सरसों को इधर से उधर कर दिया है, पूरा खेत पूरा बर्बाद हो गया भाई। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, महाराज जी चले गए हैं वहाँ चाइना तक। ये क्या भाई, रास्ता नहीं मिला तो हम लोग बताओ खेत खेत से होकर के अब अपने बाइक के पास जा रहे हैं। आशीष भाई, हाँ बिल्कुल, ये क्या कर रहे हो भाई? अभी बाबा बागेश्वर धाम वाले की अर्जी खत्म हो चुकी, वो जा रहे हैं और इतनी भीड़ के वजह से हम लोग खेतों के, मतलब अरहर की खेत है उसी में से हम लोग भाई बहुत ज्यादा भीड़ है उधर से, तो हम लोग जा भी ना पाते। दीवार पे बहुत ज्यादा लोग चढ़े हुए थे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है यार, मतलब दरबार खत्म होने के बाद जितनी भी पब्लिक है ना, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं और हम भी अपने घर की ओर निकल रहे हैं, अरे तो अपने बाइक के पास जा रहे हैं। देखो किस्मत थी एकदम पूरा दरबार तक अंदर जाने की। यार सोचो भाई, धीरे धीरे हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे, बहुत बहुत आगे तक पहुँच आगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी अपने बाइक के पास आ गए हैं और ये हाल देखो दोस्तों, मेरी गाड़ी पूरा जो है पाउडर लगा दिया है, कितनी ज्यादा यहाँ पे धूल है। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे आप कहाँ से आए हो? यही के हैं। अच्छा, लोकल हैं आप। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं अपने घर, मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यह वीडियो देख करके आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बाय बाय। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और देख रहे हैं जैसी भीड़ आते वक्त थी और जाते वक्त भीड़ वैसी ही है। और यहाँ पे इतनी गाड़ी, इतनी धूल। और हमारे ये सब कराने वाले कार्यकर्ता इंद्रदेव शुक्ल जी थे, DGC परिवार, उनका बहुत बहुत आभार जो प्रयागराज के धरती पे हमारे पंडित धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी को आमंत्रण किए और वो आए हमारे प्रयागराज के धरती पे। और प्रयागराज में फिर से आएंगे एक महीने बाद, वो भी संगम नगरी में 2 दिन के लिए लगेगा। बहुत ही बड़ा, इधर भी दिखा दो, ये देख रहे हैं आप, जैसा देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्राउड, जितनी फोर व्हीलर उतनी ही बाइक उतनी ही पब्लिक। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखी थी। ये आप देखिए क्राउड, कितनी क्राउड है, इसमें रहते हैं इंद्रदेव लोग यार। ये सोना भवन का गेट है ना, इधर वाला पीछे वाला, ये पीछे वाला गेट है, वहाँ प्रसाद बांट रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यार, भाई मोबाइल वोबाइल गिर उड़ जाएगा, तो पहले बांटने तो दो भाई।